दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दिल्ली में छाए रहेंगे बादल, इन राज्यों में होगी बारिश, जाने मौसम का ताजा हाल। तो दोस्तों, हम आपको पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में। सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। मौसम से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाकर ऑल पर जरूर क्लिक कर दें। आप कमेंट करके बताएं ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। मानसून की वापसी से लेकर कई राज्य में झमाझम बारिश देखने को मिली है। दिल्ली में 3 दिन तक हुई लगातार बारिश से राहत मिली है। दिल्ली में धूप खिली, समय बाकी माने तो अब आने वाले दिनों में दिल्ली में बारिश की गतिविधियां देखने को नहीं मिलेंगी। हालांकि दिल्ली में आने वाले कुछ दिनों तक बादलों का डेरा रहेगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा। दिल्ली में आज बादल छाए रहेंगे। हालांकि दिल्ली में 30 सितंबर तक इसी तरह बादल छाए रहने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम? उत्तर प्रदेश के कई इलाके में जमकर बारिश हो रही है। हालांकि आज लखनऊ में बारिश का पूर्व अनुमान नहीं है। मौसम विभाग की मानो लखनऊ में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहेगा। गाजियाबाद में आज बारिश नहीं होगी, न्यूनतम तापमान 24 और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा। मानसून पर मौसम विभाग का क्या है अपडेट? मौसम विभाग की माने अगले 3-4 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्से में, आसपास के मध्य भारत के कुछ हिस्से में मानसून की वापसी के लिए स्थितियां अनुकूल हो जाएंगी। इसी बीच कई राज्य में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। इन राज्यों में बारिश का पूर्व अनुमान, मौसम विभाग की माने तो 27 से 30 सितंबर के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश एनम में और 27-28 सितंबर तक तमिलनाडु पौंडीचेरी कराईकल में हल्की से भारी बारिश देखने को मिल सकती है। 28 सितंबर को आसाम मेघालय में 29 और 30 सितंबर को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ हल्की से मध्य भारी बारिश देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।